some. फाइनली पहुंच चुके हैं तुम्हारे हरियाणा में। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आज हमने बहुत ही धमाकेदार वीडियो करने का प्लान किया है। तो यार मेरे घर के नीचे ही खड़े हैं, जा रहे घर में, फेक मैरिज प्रैंक ऑन माय मॉम। रिएक्शन कैसे आया है वो तो चल कर ही पता चलेगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को एंजॉय करना। साथ दिया इनके भाई ने, ऊपर जाके मिलेंगे। पहले फोन पे सेटिंग होगी थी, आधी सेटिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। भाई अभी अंदर ही है और फिर वो थोड़ी बार ट्यूशन चला जाएगा, क्योंकि फिर समझ रहे हो ना कि बहन भाई के सामने कर नहीं पाएगी, तो इसीलिए तो चलते हैं। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो के बाद में। थैंक यू सो मच दोस्तों। डर तो मुझे भी लग रहा है। हे गाइस, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए यार। तो आज एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो करने वाले हैं, बहुत ही रिस्की वीडियो है। कैमरे तो कितने लगाए हैं? दो लगे हुए यार, एक अंदर है। तो चल के देखते हैं क्या होता है, पता नहीं, हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है यार। डर लग रहा है, कुछ होगा तो नहीं। वरमाला देख के आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या किया आज वीडियो में। तो बहुत ज्यादा रिस्की वीडियो है। क्या किया से ये मत सोचना कि हमने शादी कर ली, हमने शादी बिल्कुल भी नहीं की है। हम करने वाले हैं फेक मैरिज प्रैंक ऑन माय मॉम। तो यार इस सब में मेरे भाई ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, और भाई अभी ट्यूशन के लिए निकल चुका है। तो उन्होंने पहले मेरे को बता दिया था कि घर पे अभी कोई नहीं है, मम्मा आने वाले हैं, तो वेट करते हैं मम्मा का। आज बहुत डर लग रहा है, पहली बार मैं इतना नर्वस हूं। कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा डर मुझे भी लग रहा है। बिन बिहाया दूल्हा बन के जा रहा हूं, वो भी किसी दूसरे के घर में, तो सोचो अंदर क्या फीलिंग होगी। तो एक बार आप पूरी वीडियो को एंजॉय करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये लोग आप हमें कमेंट करके बता देना। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो चलो मम्मी को फोन किया। तो यार यश अभी वॉशरूम गया है, तो मैं मम्मा को कॉल करने वाली हूँ। आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो मम्मा को कॉल करते हैं। मम्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है। स्पीकर पे फोन। हेलो हेलो मम्मी, कहाँ हो? मैं बेटा मार्केट आई हूँ सामान लेने। मैं ना पहुँच गई घर पे, आ गई। ठीक, कितनी देर में आ रहे हो? थोड़ी देर में आ रही। चलो आओ, पहुँचने आ रही। ठीक है ठीक। मम्मा मार्केट गया है और आने वाले हैं, तो देखते हैं। आ जाओ आप, ये वॉशरूम से आ चुके हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। अभी मम्मा आने वाले हैं, वेट करते हैं। मम्मा का बात हो गई है फोन पे। बहुत अच्छे भाई कसम से, बस लेकिन अभी तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। मुझे लगता है डंडे पड़वाएगी अपने भी और मेरे भी। बैठ बजने वाली है, दिल भर रहा है पानी पी के तक के अंदर। तो चल थोड़ा वेट करते हैं। मम्मी को बोल रहे हैं मार्केट गया, अभी आने वाले हैं। जब तक चाय तो पिला दे यार। चलो बनाते। ठीक है, चाय तो काफी टेस्टी बनाई थी। थैंक यू, उम्मीद नहीं थी इतनी चाय बना लेगी। और एक बात बताऊं, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सच बता तुम्हें क्या होगा? मैं बोल दूंगा इस निसी का प्लान था, मेरा कुछ नहीं था। अगर मैं पिटा तो सच्ची मैं अकेला नहीं पिटूंगा यार, देख सच बता रहा हूँ। देखते हैं यार क्या होगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो खुद ही डर लग रहा है ना। नहीं कुछ गुस्सा तो आएगा ना, ऐसा होगा तो। तुम जाओ, चल जाओ, चल चल जाओ, जल्दी जाओ, अंदर अंदर जाओ, आ मत जाना। आ जाओ, कैसे हो? ठीक हूँ। ये क्या, अंदर तो आओ, अंदर आके बात करते हो। कैसे हो? आ जाओ अंदर, अभी अभी आई हूँ, जस्ट पहुंची हूँ 10 मिनट में। ये मम्मी आपको बताया मैं दो अच्छा काम करा क्या? नहीं नहीं मजाक नहीं है कोई, जिंदगी का सवाल है। एक लड़के से बहुत टाइम से प्यार करती थी। ठीक है, ये मांग मांग घर के आई है क्या? तमाशा नहीं है मम्मी, 2 महीने से एक लड़के से प्यार करती थी। वो यश चौधरी, आपको पता है ना, वीडियोस बनाती थी उसके साथ, मैं बनाती हूँ अभी भी। तो लोग भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कमेंट्स करते थे लोग कि मतलब अच्छे लगते हो साथ में। तो मम्मी मेरे को भी उससे प्यार है, उसको भी मेरे से है, तो पसंद करते एक दूसरे को, शादी कर ली। और आपको पता है मैं नाबालिग तो हूँ नहीं यहाँ पे, अब 18 साल से कम तो हूँ नहीं कि मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और पापा का है, पापा ड्यूटी गए हैं, वो आएंगे, पहले भैंस को बदलो फिर उसके बाद बात करना। मम्मी भैंस को क्या बदलो, सामान सारा अच्छा नहीं लग रहा। आपको ये मजाक लग रहा है क्या? हाँ मेरे को मजाक लग रहा है। मजाक नहीं करी मम्मी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने शादी कर ली है। और इसको फटाफट उतारो, धीरे बोलो, धीरे। मैं कैसे, अभी मैंने शादी करी है, अभी शादी करी है, मैं कैसे उतार दूँ? अभी नहीं है ना शादी के लिए मेरा। नहीं नहीं नहीं, आपको बता, देखो यार मुझे पता था आप लोग नहीं मानोगे, बेइज्जती तो होती है, मैं समझ रही हूँ उसकी वो बात, लेकिन आपका दिमाग अंदर ही है। आप उससे बात कर लो, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करी, पापा आएंगे वही बात करेंगे, इसको उतार के। तो मैं आपसे और पापा से मिलने तो आई हूँ, आशीर्वाद तो लेने आई हूँ आप लोगों का। कैसे दे दूंगी इनके बिना, मुझे ये बताओ। वो आएंगे जब भी तो देंगे ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता आपको। निकालो फटाफट जाओ मम्मी, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उस लड़के से, वो अंदर ही खड़ा है।
आप उनसे बात कर लो। क्या बात करूँ, मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, अच्छा नहीं है ना, नाक कट जाती है हमारी तो, पड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये अच्छा लगता है कोई? मैं समझ रही हूँ, देखो आज पड़ोस वाले लोगों का क्या, लोगों की सोच ही खराब है। दो प्यार करने वाले एक नहीं हो सकते क्या? प्यार करते थे ना, वो घर में होएगा जब भी, तो ना घर वालों से बातचीत होगी जब भी। चलो आप जात का कैसा है देखा भी नहीं है ये तब। मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रही हूँ, लेकिन देखो बात ये है कि हम रह नहीं सकते थे एक दूसरे के बिना, हमने शादी कर ली, हम तो आशीर्वाद लेने आई हूँ हरियाणा, सीधी बात है। मेरे को आपसे भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों से प्यार नहीं है, आपसे भी प्यार होता था ये काम ही नहीं करते। आप लोगों से प्यार है, उससे भी तो प्यार है ना मम्मी, उससे भी तो बहुत ज्यादा प्यार है ना, मुझे ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं उसको। वो कह रहा था शादी कर ले, मेरे को मेरे भी मन में थी शादी करने की, तो कर को उतारो जाओ फटाफट यस, ठीक है ना, मेरी बात सुनो, बताओ जी का नहीं। आप लोग हमेशा अपने बारे में क्यों सोचते हो, बच्चों की खुशी कुछ मैटर नहीं करती क्या? माँ बापों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, इज्जत का ख्याल है, इसलिए आशीर्वाद लेने आई हूँ, इज्जत का ख्याल है। मैं ऐसे दूंगी जब पापा ही नहीं आएंगे, और कोई भी नहीं, मैं ऐसे कैसे करूंगी, मेरे को घर से बाहर कोई निकलना है। तो हम पापा और आपसे मिलने ही आया, पापा को बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुलाती हूँ, फोन करके वो आ जाए, मैं बात कर, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं पहले फैशन को उतार और कपड़े पहन दूसरे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उतार मम्मी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कैसे उतार दूँ इसको? हमारे सामने शादी नहीं हुई ना, तो क्या हो गया, शादी करके आई हूँ क्या? शादी में उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी अभी भी शादी हुई है, मैं ये बदल नहीं सकती, मैं शादी करके आई हूँ उससे, और मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मेरे को प्यार है उस बंदे से, आपको समझनी पड़ेगी चीज। और पापा को समझा दो, पापा तो नहीं समझेंगे ना, ये बताओ। चलो एक बात को मैं समझ लूंगी, छोटी सी मेरे मन में आप लोगों के लिए इज्जत है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, ठीक है? इज्जत होती तो ऐसा काम ही नहीं करती, माँ बापों की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं करा, इसलिए भेजी थी बाहर हमने, क्या ये बताओ? से काम करते फिर घर आते फिर कोई बोलन भी नहीं देगा। तो आपको वो अच्छा लगता कि लोग प्राउड फील करते हैं आपकी बेटी इतना अच्छा काम करती है, लोगों की हेल्प करती है, वो चीज़ें देखी आपने? अच्छा भी करा बेकार भी करा, बताओ किस पे विश्वास है? विश्वास नहीं है ना, मुझे कुछ नहीं पता। बेटी है पर वो भी ऐसी करेगी, कहाँ जाऊंगी? मेरे को किसी का कुछ नहीं पता मम्मी, मैं रह नहीं सकती। ठीक है, इसको निकालो और फटाफट जाओ, ये पिटाई खाने दो, बता मेरी बात सुनो। मैं बात कुछ नहीं सुन रही, ठीक है? मैं प्यार करती हूँ उससे, आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, दिमाग में डालनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा के पास फोन कर देते, उनसे बात कर दो, आप पापा से बात करो, पापा को बुलाओ। यश तुम एक बार आ जाओ प्लीज, अपने आप पापा से बात कर लो। मुझे ये कौन, ये आपका दामाद है जिससे मैंने अभी शादी करी है कल? मैं नहीं जानती भी किसी को भी, ठीक है ना? आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं समझ रही बिल्कुल, ऐसे तुम जाओ यहाँ से बाहर। पब्लिक भी हमें बहुत ज्यादा पसंद करती है, लोग बहुत ज्यादा चाहते थे हम लोग साथ हो जाए, इसके मन में भी मेरे लिए प्यार था और मेरे मन में, हमने शादी कर ली, क्या गलती कर ली नाबालिग थोड़ा है? गलती तो कर ही रखे तुम लोगों ने, ना पता ना पता ना घर का ठिकाना, कहाँ जाएंगे, कुछ कर दिया तेरे साथ हम कहाँ जाएंगे, ये बताओ। क्यों करेगा वो लड़का, बहुत अच्छा है, क्यों करेगा? बहुत अच्छा नहीं लग रहा, शिकल सी बेकार लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है शक्ल से, शक्ल मम्मी जाओ फटाफट जाओ कपड़े पहनो। मम्मी शक्ल से कुछ नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल नहीं समझना चाहती, क्या पता कितना हो चुका है, चारों तरफ हल्ला मचा के आज ऐसे हो गए आज ऐसे हो गए। होने दो हल्ला, मेरे को दुनिया की घंटा परवाह नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपनी खुशी भी देखनी है। आप तो किसी के साथ शादी काम हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? शादी हो गई क्या काम, पत्नी हूँ मैं इसकी, क्या उल्टा सीधा काम हो गया? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो, किसके सामने शादी? अच्छा पेपर आ जाएंगे, कुछ बहुत अच्छा कमाते हैं, हमारे पापा आएंगे उनसे बात कर लेना, मेरे को घर में रहना, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलना। मम्मी आपको ये चीज समझ हो रही बहुत ज्यादा, तुम्हारे को समझना पड़ेगा ये चीज कि हम लोग, तुम्हारी दादी आएगी वो भी टिटबाजी करेगी, भैया आएंगे वो भी, बताओ परिवार से आ रहा है ना, मैं कैसे संभालूंगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा बच्चे। देखो ऐसे तो हम जा नहीं सकते, अब करिए, मैंने घर वालों ने तो निकाल दिया, उन्होंने बोला था मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने निकाल दिया, मैं कैसे रखूं? प्यार करती हूं मैं, सीधी बात है, बहुत ज्यादा समझती नहीं हूं प्यार क्या होता है, पापा ही उनसे बात करो, मैं इससे बेशुमार प्यार करती हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, सफाई करेंगे मारेंगे पुलिस थाने आएंगे अच्छा नहीं लगता ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है मैं खा लूंगी, मां बाप आप मेरे, अच्छा एक नंबर से शादी करके आए कोर्ट से, सारे प्रूफ है, मार पिटाई तो हो ही नहीं सकती, बस देखो मेरे को मेरे घर वालों ने निकाल दिया, मैं नाबालिग नहीं हूं, निकाल दूंगी यहां से, फिर कहां जाऊं आप लोग, मैं तो नहीं रख सकती ना भी, तो अब हम कहां, पापा आएंगे मेरे को नहीं पता, पापा आएंगे उनसे बात कर लेना, ठीक है चलो जाओ कपड़े बड़े निकालो और फटाफट जाओ, मेरी अभी शादी हुई है, मैं कपड़े नहीं निकाल सकती, आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज, प्यार करती हूं उससे, मेरे पास मत चिल्लाओ मेरे कानों में, ठीक है ना,
मुझे कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में। आएंगे तुम्हारे पापा, उनसे बात कर लेना, मैं बाहर चली जाती हूँ, ना तो तुम चले। आपको समझना पड़ेगा, मेरे को इस बंदे से बहुत प्यार है, उनको समझना पड़ेगा। मैं आशीर्वाद लेके चले जाएंगे, मैं ऐसे कैसे दे दूंगी तुम्हारे पापा के बिना, ये बता मुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से अब, क्योंकि मैं मेरे को बाहर निकाल देंगे तो फिर मेरे मन में आपके लिए इज्जत है, इसलिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं यहाँ पे। पापा कोई फोन पे बता रहे कि जो नहीं इज्जत के काम न करे, कोई ये बताओ इज्जत के तो कोई काम ही नहीं करा तुम लोगों ने। मम्मी सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। आपको तो पता है आजकल क्या चल रहा है, तो मेरी बात सुनो, हम चले जाएंगे, बस आप हमें आशीर्वाद दे दो। तो मैं फोन करी तुम्हारे पापा के पास, फोन ला मैं आप आशीर्वाद दे दो, कोई भी उदास नहीं मैं नहीं कर। अच्छा आपने हमारी वीडियोस तो देखी है ना, जोड़ी अच्छी लगती है ना, जोड़ी बेची सब कुछ अच्छा है। तो चलो वो कहेंगे जब भी, तो ना मैं उनसे ऊपर तो नहीं होकर चल सकती ना, ये बताओ आपको मंजूर है ना भाई पापा के पास अभी बात कर लेना, तुम उनसे मैं कुछ नहीं कह सकती इस चीज़ के, आपको मंजूर है। हाँ मेरे को मंजूर है। तुमने देखा ना वीडियो बनाई थी, कितना रोई थी है मेरे साथ में, अब प्यार जब भी तो इन्हें कहा था मम्मी मेरी सही बताना भी तो चीज़, चलो मेरे को भी बता देते पापा को मंजूर, ये तो कह रही थी बुला लूंगी एक फोन पे आ जाएगी मम्मी भी, ठीक है ना। अभी तुम पीछे से आए हो, मैं घर में भी नहीं थी, मैं मार्केट जा रही हूं, तो इस पे थी ना बताई थी, कह रही मेरे पे चाबी वाबी सब है। चलो ठीक है मैं फोन करती हूं, अभी बताती हूं फिर तुम्हारे को, वही बात करेंगे भाई मेरे। अच्छा वीडियो अच्छी लगती है हमारी? नहीं अच्छी लग रही वीडियो तो, बहुत अच्छी पक्का बढ़िया लग रही है, तो वीडियो बनती रहे उसके लिए आशीर्वाद तो दे दो, इसके लिए शादी के लिए मत देना वीडियो बनती रहे अच्छी है तो आशीर्वाद दे दो, हमारे काम से रिलेटेड ये बता दो मम्मी आप। बाल निकाल दिया फिर उन्होंने क्या करोगे? वो नहीं निकालेंगे ना मम्मी, क्योंकि हम ना पता है क्या, सुनो मेरी बात, आपके साथ ना वीडियो बना रहे, कैमरा लगा रखा है, इधर देखो देखो एक बार देखो ना, अच्छा देखो तो मम्मी इधर आके देखो, इधर देखो मेरे साथ ना वीडियो बनाते, देखो ये ना कोई आपको घर से बाहर नहीं निकालेगा, नहीं निकाल देंगे ना, नहीं निकालेंगे ना, ये देखो अब वो तो पर करो कोई नहीं निकालेगा आपको, ये मारना प्लान था और भाई का प्लान था मिलके आपके साथ ना मजाक करने का, कोई नहीं निकालेगा एक बार देख लो, अब तो आशीर्वाद दे दो कि हमारी जोड़ी बनी रहे, दे दे। कोई शादी वादी नहीं करी मेरे लिए, माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे कभी करेंगे भी नहीं, हम गलती करना भी मत, भी करेंगे भी नहीं, ना, अच्छा नहीं लगता। तो बोल दो मेरे बच्चों पे प्यार बनाए रखे एक बार उधर, जल्दी आओ आज मम्मी बोल मेरे बच्चों पे प्यार बनाए रखे, मेरे बच्चे का प्यार बना रहे, मेरी भी मन लग जाए मेरे बच्चों को। दोस्तों उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हो सकता है मुझे बाद में खाना मिले या ना मिले, लेकिन वीडियो में मजे आपको पूरे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अभी हम भाई आने वाले ट्यूशन से उन्हें भी बताएंगे और अंकल वगैरह सबसे मिल के जाऊंगा यार। तो चलो मिलते हैं वीडियो के बाद में, बहुत थका है उसने, मैं तो जाऊँ। लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा, शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत रिस्की वीडियो थी, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, लव यू।